बिलारिम अलैकुम गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू morning एट होम एक और हस्ती मुस्कुराती खिलखिलाती और पॉजिटिव सुबह के साथ आपके सामने आपकी मेज़बान जगन का आजम हाजिर है ही औलाद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत. जब हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तो अक्सर यही सोचते हैं कि अरे मैं जब मैं छोटी थी तो यही सोचती थी कि हाँ एवेंचुअली मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी जो भी अचीवमेंट थी वो अपनी जगह थी लेकिन उसके साथ एक ख्वाब था कि शादी होगी बच्चे होंगे फैमिली होगी फैमिली का जब इंसान सोचता है तो उसमें बच्चों का एक बड़ा अहम किरदार होता है जिन लोगों की औलाद नहीं होती और वो औलाद के ख्वाहिशमंद होते हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि औलाद की डिज़ायर और औलाद की नीड कितनी बड़ी और कितनी अहम होती है फिर जो लोग साहिब हैसियत होते हैं जो साब औलाद होते हैं और साहिब हैसियत भी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने सारे जो यू you नो know, फाइनेंसेस हैं सारी चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों पर निछावर कर दें औलाद होती ही कुछ ऐसी चीज़ है कि दिल चाहता है अपनी दिल जिगर जान अपने सारे एसेट्स अपना सब कुछ उन पर कुर्बान कर दें लेकिन बच्चे की या औलाद की इस दुनिया में आने से पहले एक प्रोसेस होती है माँ के पेट में होता है वो बच्चा उसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर औरत ख्याल रखे और अगर घर वाले उस खातून का ख़्याल रखें तो उन इश्यूज और प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं देखें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि औरत की जो खाने पीने की इनटेक है जो उसको मल्टीवाइटमन और डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर किया जाए बहुत ज़्यादा मेंटल और फिज़िकल प्रेशर भी ख़ीन पे इस स्टेज पर नहीं डालना चाहिए अफकोर्स प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है एक कंडीशन है जिससे अक्सर ख़वात गुजरती हैं अगर अफकोर्स उन वो बच्चे पैदा करना चाहें या उनके बच्चों की डिज़ायर हो तो यहाँ पे मैं ये बात इसलिए नहीं कर रही कि मैं ये कह रही हूँ कि आप बच्चे पैदा करें और बच्चे पैदा करना बहुत अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं किए उनमें कोई बुराई है या ख़राबी है देखें बच्चे पैदा करना बच्चे को दुनिया में ले आना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए जब लोग बच्चे सिर्फ़ इस रीज़न के लिए पैदा करते हैं क्योंकि घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं तो फिर बहुत से प्रॉब्लम्स और मामल जो हैं उनको फ़ेस करने पड़ते हैं औलाद की जब ख्वाहिश हो जब डिज़ायर हो तो तभी फैमिली बनाने की तरफ़ इंसान को पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी उन लोगों को कुछ नहीं कह रही जिन्होंने बच्चे नहीं पैदा किए या बच्चे नहीं पैदा करना चाहते ये एक सेपरेट कॉन्वर्जेसन है लेकिन अगर आप सयब औलाद हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के मरले से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर्स की कही हुई सारी बातों पे प्लीज़ तवज्जो दें अपनी ज़ात का ख्याल रखें क्योंकि आप सिर्फ़ अब अपनी जान के ज़िम्मेदार नहीं है एक और जान की भी ज़िम्मेदार है जो आपकी कोप में पल रही है ये तो एक एलिमेंट हो गया उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो ख़्वीन को थोड़ा सा एक रिलीफ पीरियड चाहिए होता है इसीलिए तो पूरी दुनिया में मटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में मटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट है कुछ जगहों पर छः महीने के लिए कुछ जगहों पर फोर मंथ्स के लिए कुछ जगहों पर दो दो साल की भी आप पेड मटर्निटी लीव ले सकते हैं ताकि आप अपने बच्चे की नशोनुमा की और अपनी भी नशो नुमा का प्रॉपर ख़्याल रख सकें और ये जो एक नया स्टेज है ज़िंदगी का इसको बड़े अच्छे तरीके से आप स्पेंड कर सकें और अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग कर सकें लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे मसाइल कभी कभी लोगों को फ़ेस करने पड़ते हैं बहुत अफसोस की बात है लेकिन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट टेन परसेंट हमारी पॉपुलेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड है और इसमें कुछ हाथ तो कज़न मैरिज़स का भी होता है कुछ हाथ इस चीज़ का होता है कि जब ख़वात प्रेगनेंट होती हैं तो या तो वो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं या उन पर जस्मानी तशद हो रहा होता है खाने पीने का ख़्याल नहीं रखा जाता उनको अनिमिया का इशू होता है या हाईपर टेंशन की इशू होता है हाई ब्लड प्रेशर को फ़ेस कर रही होती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज़ हो जाती है बहुत से कंडीशनस हैं जिनसे इंसान प्रेगनेंसी के थ्रू गुजर सकता है और फिर जब डिलीवरी का वक्त आता है अगर डिलीवरी प्रॉपर जगह से ना कराई जाए या किसी प्रॉपर शख़्स से ना कराई जाए जो नॉलेजबल ना हो आइडियली तो किसी मेडिकल प्रोफेशनल से तो डिलीवरी के दौरान भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स और मसाइल हो सकते हैं जो बच्चे को मजदूरी की तरफ लेके जा सकते हैं तो औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है उस नेमत के दुनिया में आने से पहले एज एन इस दुनिया खुली फिजा में आने से पहले वो जो नौ महीने का पीरियड है उसमें ख़वातिन को अपना ख्याल रखना चाहिए और घर वालों को ख़ास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान व्यूअर्स सिर्फ आप एक फ़िज़िकल चेंज से नहीं गुजर रहे होते आप एक मेंटल और इमोशनल चेंज से भी गुजर रहे होते हैं आपके हॉर्मोन्स ऑल ओवर द प्लेस होते हैं और कभी कभी उस हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं डिप्रेशन भी हो जाती है और प्रेगनेंसी के फ़ौर बाद बहुत सी खुतन बहुत सी यंग बच्चियाँ पोस्ट डिप्रेशन में मुबला हो जाती हैं और लोग उसको रिकगनाइज़ नहीं करते और कहते हैं भाई तुम ड्रामे क्यों कर रही हो अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद से नवाजा है तुम शुक्र अदा करो लेकिन जो इंसान हार्मोनल और इमोशनल चेंजेस से गुजर रहा है वो कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और एक्सेप्ट करे तो इसमें फैमिलीज़ का और घर वालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है और अगर बाहर नफसियात के साथ रब्ता करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी करें देखें हमने अपनी अगली जनरेशन जिसको इस दुनिया में ले आना है उसको सिर्फ़ इस दुनिया में इसलिए नहीं लेके आना क्योंकि लोगों ने कहा कि अब बच्चा पैदा करने का राइट टाइम है या बस आपने बच्चा पैदा कर लिया बच्चे को दुनिया में लेके आना है तो उसके साथ जुड़ी हुई जो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमारे ऊपर फ़राज़ हैं हमने उनको भी पूरा करना है सिर्फ़ बच्चों को तालीम नहीं देनी उनको तरबियत भी देनी है उनके मेडिकल मसाइल को भी देखना है उनके हिफाजती टीकों का भी ख्याल रखना है बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है सो बच्चे एक बहुत ही प्यारी नमत लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चे भी बच्चा पैदा करते चले जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा बेटियाँ हैं या बेटे हैं मतलब किसी के घर चार बेटे तीन बेटे हुए तो उन्होंने कहा कि एक और दफ़ा ट्राई कर लेते हैं शायद बेटी हो जाए एक और दफ़ा ट्राई कर लेते हैं बेटी हो जाए मैंने एक्चुअली ऐसे घरने देखे हैं जहाँ पे छः छः माशाल्लाह बेटे हैं और एक बेटी फाइनली हो गई तो वहाँ पे फिर उन्होंने स्टॉप लगाया और जब पूछा कि माशाल्लाह सात बच्चे तो उन्होंने कहा बस बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी और यही चीज़ हम लड़कियों के केस में भी देखते हैं कि लड़की हुई लड़की हुई लड़की अच्छा चाहे छः लड़कियाँ होंगे सात लड़कियाँ अच्छा अभी भी हमें बेटा चाहिए देखिए औलाद तो औलाद होती है चाहे बेटी हो या बेटा हो दोनों की उसी तरह हमने ख्याल रखना है और सच्ची बात बताऊं तो जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं और गोद में होते हैं तब तो हम बच्चों की बाकायदा खदमत कर रहे होते हैं सो बच्चों का ख्याल रखना उनकी नशोनुमा का ख्याल रखना उनको लाड प्यार देना देखिए जो माँ छः सात बच्चे संभाल रही है वो उनको संभाल तो रही है लेकिन हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देखा देना ये सब चीज़ें करना ज़रा मुश्किल हो जाता है आज कल के ज़माने में पहले इसलिए कदरें आसान था क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शनस नहीं थी और हालात भी ऐसे थे कि हस्बैंड्स काम करते थे ख़ातन ज़्यादातर घर पे होती थी तो वो पूरी तवज्जो के साथ अपने बच्चों को पूरे फोकस के साथ रेस कर सकती थी आजकल दोनों मर्द और, और औरत काम कर रहे होते हैं तो इसलिए थोड़े से बिज़ी होने की वजह से बच्चों को प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल पाता सो so, उतने बच्चे होने चाहिए जितने आप आसानी से संभाल सकें और आप अपनी ज़िंदगी को भी साथ साथ सुकून से जी सकें क्योंकि ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाले बच्चे या इस दुनिया में जो बच्चे हैं उनका कैसे ख्याल रखेंगे सो so, बच्चे अल्लाह ताली की बहुत बड़ी नमत लेकिन उनको पैदा करने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि क्या मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ क्या हम एज अ कपल इसके लिए तैयार हैं और यहाँ पे मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप अपने बच्चों को शादी के स्टेज तक जब वो पहुँच जाते हैं तो एक दफ़ा बैठ के उनकी थोड़ी सी थेरेपी या थोड़ी सी जो कहते हैं ना एक मैंटल ट्रेनिंग ज़रूर करें ताकि उनको पता हो कि वो ज़िंदगी का इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं उस कदम के साथ साथ क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं देखिए ये कहने की बात होती है कि बच्चे पल जाते हैं आजकल के ज़माने में बच्चे पल नहीं जाते बच्चों को प्रॉपर तरीके से पालना पड़ता है इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया मतलब टेक्नोलॉजी का दौर हर चीज़ फास्ट फास्ट है स्कूल में भी कॉम्पटिशन भाई आजकल तो बच्चा बच्चे पैदा करने पे भी कंपटीशन होता है कि उसके इतने हैं तो हमारे इतने हैं तो हमारे इतनी लड़कियां हैं तो हमारे उतने लड़के हैं ये भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है हर चीज़ एक कंपैरिजन हो गया है सो थोड़ा सा सोच समझ के हमें इन डिसीजन की तरफ जाना चाहिए और अगर इस डिसीजन को ले ले तो फिर हंड्रेड परसेंट उस पर उतरना है और बाय द वे जब अगर जब किसी बच्ची की शादी होती है तो शादी होने से पहले एक तो प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए ये देखने के लिए कि कहीं प्री डाइबिटिक या कोई इस किस्म की कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है और जब प्रेगनेंसी को कंसिडर करें तो तीन महीने पहले जो सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन जैसे कि फॉलिक एसिड अब कहा जाता है कि प्रेग्नेंट होने से तीन महीने पहले से लेना शुरू कर देना चाहिए फॉलिक एसिड क्या है जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सो प्रॉपर नशोनमा प्रॉपर सेहत और प्रॉपरली मेंटली प्रिपेयर्ड होके इस कदम की तरफ हमें बढ़ना चाहिए जीरो फोर टू नाइन नाइन टू जीरो जीरो सिक्स फोर एट पर कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है हमारे साथ हमारी प्यारी सी आपी शेफ शेफ रशीद हैं असल वाल कैसी आपी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा आपी आप ही आप क्योंकि मेरे से थोड़ी मुख्तु जनरेशन की हैं तो मैं जो बात कर रही थी सही कह रही थी या आप नहीं एग्री कर रही नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रही थी क्योंकि हमने खाली बच्चे नहीं पैदा करने माशरे को एक अच्छा इंसान देना है उनकी अच्छी परवरिश करके कम बच्चे होंगे उनको आप अच्छे से परवरिश करके आगे माशरे का एक मुफ़ीद इंसान बनाएंगे क्योंकि आप भी देखें वो ज़माना भी नहीं रहा जब छः छः सात सात बच्चे होते थे ना जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे सारे मिलजुल के उन बच्चों को पाल लेते थे कज़न्स वजन सब साथ पल जाते थे मैं अम्मी से भी बात करती हूँ मतलब जब भी किसी मतलब यू you नो know, जरा ओल्डर जनरेशन से बात करती हूँ तो वो यही बातें करते हैं आज का लोग मियाँ बीवी कल्ले घर में रह रहे होते हैं एक बच्चा किया तो वो बच्चा संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं होती बिल्कुल मतलब अगर लड़की ने बच्चा है छोटा है और अब थोड़ा ज़रा एक्टिव हो गया तो आप बच्चे को कॉट में छोड़ के नहाने के लिए नहीं जा सकते और आजकल कॉट कौन अफोर्ड करता है आजकल कॉट्स की कीमतें जाके देखे चालीस हज़ार से लेके डेढ़ डेढ़ मैं उस दिन गई देखने के लिए कि नूर के लिए ना कोई अगर कॉट बेड मैं वहीं से उसी तरह घूम के वापस आ गई मैं कह रह दो एक लाख अस्सी हज़ार का कॉट था मैं हक्का भक्का रह गई मैंने कहा सोने दा है फिर सोने की कीमत याद आई तो मैं चुप हो गई तो बात ये कि व्यूअर्स अल्टीमेटली चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है तो एक तो खर्चा उसके अलावा आपकी वही वाली बात है ना पहले अम्मी पकड़ लेती थी कोई और संभाल लेता था फैमिलीज़ मिल के बच्चों को पालती थी बिल्कुल अब बच्चे अकेले घरों के अंदर कमरों में बंद टीवी स्क्रीन देख रहे हैं टैब देख रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं बच्चों ने वही कार्टून बन जाना जो वो देखते रहते हैं ऐसे ही है। और जो जॉब करती हैं खातन उनके लिए तो और भी मुश्किल है सो so, मतलब ये नहीं कह रहे कि बच्चे ना पैदा करें जरूर करें जितने आप हैंडल कर सकते हैं और थोड़ा सा गैप रख के ये जो बैक टू बैक बच्चे हम करते हैं ना उससे ये प्रॉब्लम होती है कि जो खुतिन की बॉडी होती है और फिजिकल हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट हो जाती है तो थोड़ा सा गैप रख के दो तीन साल का तो ये थोड़ा हेल्दी होता है और ये बाय द वे भी recommend करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जी दिकुण। आज हम क्या बना रहे हैं आज हम बना रहे हैं चिकन रोस्ट चिकन रोस्ट और मैं कर रही करी इसको स्टीम रोस्ट अच्छा जी और... ये तो सबका फेवरेट होता है देसी रोस्ट इसके लिए हमें मुर्गी का गोश्त आप कुछ लेग पीस ले लें कुछ चेस्ट पीस ले लें वो ले लें डेढ़ दो किलो अदरक का पेस्ट दो खाने के चम्मच लहसन पेस्ट दो खाने के चम्मच दही आधा किलो सिरका धड़म मिर्च हंसबे जायका रोस्ट मसाला एक पैकेट तेल फ्राई के लिए जी और इसको हम पहले कट्स लगा के उसको दही में सारे मसाले मिक्स करके उसको मसाला लगा देंगे तकरीबन ओवरनाइट पड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा, अच्छा है जी और है, उसके बाद हम इसे जैसे स्टीम रोस्ट वाले बर्तन भी होते हैं आप खुले देख देखते हैं ये क्लोज ग्रिल पैन में भी बन सकते हैं जी बिल्कुल तो उसके लिए आप उसको कर दें जब अच्छे से वो उसका मसाला खुश्क हो जाए फिर आप हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं हल्का सा जी और बाय द वे जब स्टीम कर रहे हो तो साथ में अगर आलू भी कट करके डाल दें जी जी और दूसरी वेजिटेबल्स भी थोड़ी सी डाल दें तो बड़ा मजे का हो जाता है बिल्कुल और फिर इसके साथ हम बना रहे हैं आलू के चिप्स वेरी oh, नाइस nice. और आलू के चिप्स के लिए हमें एक किलो आलू चाहिए काली मिर्च नमक हंसबेका मैदा hmm. हंसबे ज़रूरत और थोड़ा सा ऑर्गेनो उसके ऊपर छिड़क के मैदा hmm. काली मिर्च hmm. अच्छे से उसको मिक्स करके hmm. और आप फ्राई कर लें और रोस्ट के साथ सर्व करें बिल्कुल और यही जो फ्राइज़ की एक थैंक यू आप ही फ्राइज़ की एक बड़ी आ, स्पेशल हमें ट्रिक एक दो लोगों ने शेयर की और जेन्यूनली ये बड़ी एक अमेजिंग ट्रिक है मैंने घर पे भी ट्राई किया आप पहले हाफ़ फ़्राई कर लें चिप्स को इसी तरह ये सारे आ, मैदा नमक आ, काली मिर्च लगा के उनको हाफ़ फ़्राई कर लें उसको फिर थोड़ी देर रहने दें आपने रोस्ट रोज अपना बनाया उसके बाद जब बिल्कुल रोस्ट सर्व करना है तो सेकेंड टाइम उसको फ्राई करें यह डबल फ्राइंग की प्रोसेस जो होती है ना उससे आपके चिप्स कितने भी सॉफ्ट हों वो क्रिस्पी ज़रूर हो जाते हैं और फ़ौर फ़ौर सर्व करें एक ये चीज़ भी हम करते हैं कि हम चिप्स बना के ना रख देते हैं साइड पर वो सॉगी हो जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ को राइट ऑन टाइम जो है ना बिल्कुल सर्व करने से पहले गरम-गरम निकाल के सर्व करना चाहिए छोटी सी ब्रेक की तरफ़ जाएंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम क्योंकि औलाद की बात कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में हमें कौन सी चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स हमें अब ज्वाइन किया है डॉक्टर फायज़ा शहजाद ने आप गाइनिकॉलोजिस्ट हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड हमने सोचा कि अगर गायनकॉलोजिस्ट नहीं होंगी तो फिर हम ये बात करेंगे कैसे असलकुम डॉक्टर साहबा अच्छा डॉक्टर साहबा के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहजाद अनवर ने आ, जैसे कि आप जानते हैं हमारे शो में रेगुलरली डॉक्टर साहब आते हैं आ, आप इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन मेडिसिन फिजिशन हैं पेन मैनेजमेंट रीजनरेटिव मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल एक्यूपंक्चर में भी पच्चीस साल का आपका एक्सपीरियंस है अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब को प्रेगनेंसी में क्या अच्छा व्यूअर्स पेन मैनेजमेंट प्रेगनेंसी में भी एक बहुत बड़ा इशू होता है क्योंकि 90% परसेंट मेडिसन आपकी बंद हो जाती हैं दूसरी बात अनिमिया में भी कुछ ऐसे मसाइल और एक एंड पेंस और इश्यूज आते हैं उस पर भी हमने बात करनी है एंड देन हमने क्योंकि कुछ ऐसी बर्थ डिफेक्ट्स कुछ ऐसी चीज़ें जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको कभी पता चल जाती है और कभी बेबी होने के बाद पता चलता है कि बच्चे को अच्छा डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें ऊँच नीच हो जाती हैं कि बच्चे के अंदर कोई माजूरी आ जाती है तो उन बच्चों की पेन मैनेजमेंट तो करनी ही होती है लेकिन उनके साथ साथ रीजनरेटिव मेडिसिन के थ्रू भी उनका इलाज किया जा सकता है और उनको बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है और हैं भी माशाल्लाह दोनों मैरिड टू इच अदर सो दे आर कपल तो हमने सोचा कि आज डबल बेनिफिट ले लेते हैं दोनों से सो वेलकम डॉक्टर साहब अच्छा तो सबसे पहले डॉक्टर साहबा प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी से पहले जब आप जी. बच्चा करने का सोच रहे होते हैं शादी होने वाली होती है या आपने फॉर एग्जांपल शादी के बाद साल डेढ़ साल का गैप लिया और फिर सोचा कि अब हम बच्चे की तरफ़ जाएं तो ज़रा सा हमें गाइड करें कि प्री प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या एहतियातें करनी चाहिए कि बर्थ डिफेक्ट्स और दूसरे मेडिकल कंडीशन की तरफ बंदा ना जाए अच्छा सबसे पहले एनीमिया का मैं बताती हूँ एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी ठीक है और ये कभी भी हो सकती है आपके नॉर्मल लाइफ में भी चल रही होती है आपको पता नहीं होता क्योंकि आप कभी टेस्ट रूटीन में कराते नहीं हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो आर हम कहते हैं वो होते हैं बोन वारे में प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड के अंदर जाके सर्कुलेशन में जाते हैं और जैसे आर बी कम होते जाते हैं हमारी बॉडी में तो एनीमिया हो जाता है ना सही आ का फंक्शन ये होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन कहते हैं उसको जो ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से और सारे टिश्यूज़ में डिलीवर करता है अगर ये कम होगा तो सारे अलात इसकी वजह से होंगे इसमें ये होगा दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी हेड स्टार्ट हो जाएगी डिजीनेस समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है ठीक है और इसमें ज्यादा होगा कि औरतों को दिल करेगा कच्चे चावल खाने का आइस खाने का दिल करेगा ये भी सारे सिम्टम्स एनीमिया के साथ ही खाते हैं लोग हाँ जी मिट्टी भी बहुत ज्यादा जी के साथ और उनको पता नहीं होता कि ये कॉज ये होती है एनीमिया इसकी वजह से हो रहा है तो इसलिए प्रेगनेंसी से पहले ही अपने टेस्ट जरूर करवाने चाहिए स्पेशली अगर प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी थ्री मंथ्स बिफोर आप अपने टेस्ट सारे करवाने चाहिए और स्पेशली कॉजेस इस में आती हैं एनीमिया की सबसे मेन कॉज़ जो हमारी नाइन्टी परसेंट केसेज़ में आयरन की वजह से होती है क्योंकि फुला की कमी हाँ जी फुलाद की कमी और ज़्यादा होते हैं वाइटमिन डिफिशेंसीज़ भी होती हैं जिसमें फॉलिक एसिड आती है और वाइटमिन बी ट्वेल्व आते हैं अच्छा डॉक्टर साहब मैं कहीं पढ़ रही थी प्रेगनेंसी से तीन महीने पहले ही जब आपने सोच रहे होते हैं बच्चे का तो आपको एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए पहले ऐसे नहीं होता था हाँ। पहले आप प्रेग्नेंट होते थे पता चलता था तब आप फॉलिक एसिड स्टार्ट करते थे और अक्सर उस वक्त तक छह हफ्ते की प्रेगनेंसी गुजर चुकी हाँ, चुके हैं लेकिन ये काफी देर से है कि फॉलिक एसिड आपको लेना चाहिए लेकिन अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में ना कि फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो बच्चे में होती है सारी वो उसको अवॉइड करता है तो इसलिए तीन महीने पहले हमारी असल में फूड में फॉलिक एसिड बहुत कम होती है क्योंकि हम इतना उसको भूनते हैं खाने को कि फॉलिक एसिड सारी ख़त्म हो जाती है उसमें तो फॉलिक एसिड ओरल फॉर्म में ज़रूर लेना चाहिए और आ, वो थ्री मंथ्स पहले स्टार्ट कर देना चाहिए और पॉलिक uh, एसिड सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान हमारी नीड होती है या अदरवाइज ऑल्सो अदरवाइज ऑल्सो पॉलिक एसिड आपके बाल अच्छे करती है mm -hmm. नेल्स अच्छी करती है इसके और भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं लेकिन व्यूअर्स uh, यूजुअली आपकी खुराक से वो ज़रूरत कवर हो ही, हो ही है, जाती usually. है यूजली बट प्रेगनेंसी में स्पेशली क्योंकि आपने बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट की तरफ भी जाना है और उसका भी ख्याल रखना है तो आपकी नीड बढ़ जाती है ज़्यादा

जब ख़वान एक्सपेक्टिंग होती हैं तो बहुत जगहों पे गिट्टे गुड्डों में दर्दें हो रही होती हैं और अगर अनिमिया हो तो वैसे ही उसके साथ सर की दर्द ये वो ऐसे केस में पेन मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए लेकिन जी इसमें जो सबसे क्रिटिकल टाइम है वो फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर है ये जो पहले तीन महीने हैं वो हम कोई भी ऐसी पेन किलर जिसको हम नॉन स्टीरोड एंटी इन्फ्लेट्री मेडिसिन ड्रग्स कहते हैं वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते एक दो के अलावा तो इसलिए और यूजुअली खुशकस्मती से जो बच्चे की ज़्यादा डेवलपमेंट है वो सेकंड और ख़ासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है कि बच्चा अपना भी वेट पुट ऑन कर रहा होता है और माँ की जिसम में भी फ्लूड एक्यूमुलेट हो रहा होता है जिसकी वजह से उसका वेट दोनों का बढ़ रहा होता है तो वो सिक्स मंथ से लेकर नाइन मंथ तक वो टाइम है जिसमें खात अक्सर कंप्लेन करती हैं कि जी उनको कमर में दर्द है बॉडी एक्स हैं तो और नेक शोल्डर स्टिफनेस है

कोई भी सेल्फ मेडिकेशन और खासकर प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं करना ठीक है तो इसमें जो सेफ़ अद्वियात हैं उसमें हम जो पैरासीटामोल जो है एस्टोमाइनोफिन वो हम उसको सेफली दे सकते हैं और अदरवाइज बाकी जितनी अद्वियात हैं जिनको हम एनएसएड्स कहते हैं वो नहीं दे सकते डॉक्टर साहब इसलिए भी इस पर बात कर रही हूँ बिकॉज़ ये जो दवाइयाँ हम लोग ले लेते हैं ना इससे भी मिस कैरेज होने का ख़दा और बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स होने का खदशा hmm. जो है वो बहुत बढ़ जाता है सो so, हम जो कहते हैं ना कि दस फ़ीसद हमारी आवाम जो है सम बिटवीन 8 टू टेन परसेंट डिफरेंटली एबल्ड है या डिसेबल्ड है इसमें पोलियो भी आता है इसमें डिफरेंट बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो व्यूअर्स इतनी आसानी से अवॉइड हो जाती हैं

अब उसकी एच पी बहुत कम है ऑक्सीजन जा नहीं रहा होता है इसकी टिश्यूज़ में ऐसे ऐसा, ऐसा हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है किडनीज के ऊपर इफेक्ट करता है और आ, 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 उसको ये अलामत होते हैं हेड एक स्टार्ट हो जाता है डिजीनेस होती है उसको सांस कहती है थोड़ा सा मैं पेशेंट्स मेरे पास आती हैं वो कहती है हम थोड़ा सा चलते हैं हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है ये भी अनीमिया की बहुत बड़ी कॉज होती है और विद टाइम क्या होता है कार्डियक फेलियर में भी जा सकती हैं अगर बहुत सीवियरली सीवियरलीमिक हो जाए नॉर्मल uh, हीमोग्लोबिन के लेवल्स जो होते हैं वो 11 ग्राम से ऊपर होने चाहिए mm -hmm. अगर लेस देन इलेवन है तो डेफिनेटली एनीमिया डाइग्नोज होता है लेकिन ये माइल्ड होता है मॉडरेट जाके सात से आठ होता है और लेस देन सेवन जो होता है वो सीवियर कैटेगरी में फॉलो होता है अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात की समझ नहीं आती है मेरा हमेशा चौदह होता है चौदह तो बहुत 14 14 अच्छा, अच्छा है हमारी कंट्री में बहुत कम है नो बट अ प्रॉब्लम हसन और हमजा के दौरान आई मेरा बिल्कुल नॉर्मल था कोई इशू नहीं आया मेरा ड्रॉप हुआ था थोड़ा सा मतलब एक हमजा की बारी बारह पे था और हसन की बारी ग्यारह था अच्छा नूर पानो अपनी बेटी की प्रेगनेंसी के दौरान डॉब इट वेट इज थिंग माई हीमोग्लोबिन ड्रॉप टू लाइक फोर ये क्यों होता है हर प्रेगनेंसी मतलब वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज़ में कम होता जाता है आपकी बॉडी से ना okay. क्योंकि वो बेबी का इंटेक इतना होता है कोई कोई होता है प्रेगनेंसीज़ में ऐसे होता है कि बेबी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है ना द द फीटस इज़ यूटिलाइजिंग ऑल द आयरन फ्राम यू फ्राम द फ्राम द मदर तो ऐसा इवेंचुअली वो ड्रॉप करता जाता है विद टाइम इसलिए रूटीन चेकअप्स ऐसे होते हैं कि आपने मिड में भी एक दफ़ा एच अपनी सी चेक करवानी होती है प्रेगनेंसी के शुरू में चेक करवानी होती है मिड में चेक करानी है एंड एट द एंड अच्छा डॉक्टर तो मुझे प्रीविया था स्टेज फोर तो मुझे बेड रेस्ट पे डाल दिया डॉक्टर साहब ने अच्छा वो तो अपनी जगह हो गया अच्छा उसके दौरान जो एक रूटीन टेस्ट था उसके दौरान जो है वो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें जाके पता चला कि मेरा तो फिर वो जो लगाते हैं ड्रिप जो होती है ब्लीड तो किया था ब्लीडिंग हुई थी आपको नहीं अच्छा ब्लीडिंग नहीं हुई थी स्टेज उन्होंने बेड रेस्ट पे डाल दिया था तो जी जी। क्या को होना था आई वाज केयरफुल बट आई मीन नूर स्टिल केम 3 वीक्स अर्ली बट वही वाली बात है ना डॉक्टर साहिबा के प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना भी जरूरी है हमारे यहां दाइयों का कांसेप्ट है एक्जेक्टली अब दाई ने क्या को आपके चेकअप्स कराने और क्या क्या कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ होता कि अगर कोई दाई के पास जा रहा है बस फाइल में कुछ भी नहीं होता उनके एग्जैक्टली अच्छा तो अनिमिया का फिर ये बताइए कि इलाज क्या है अच्छा अब ट्रीटमेंट इसकी ये है कि अब एक, एक, एक लड़की प्रेग्नेंट है और वो जो है उसका हम इलाज कैसे करें अब हम थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे हम माइल्ड में करेंगे मॉडरेट और सीवियर ठीक है माइल्ड होते हैं आम जैसे उसका हीमोग्लोबिन बस 11 से थोड़ी सी नीचे है दस पे है ना दस या नो पे है तो उसको हम डाइट्री एडवाइस ज़रूर करेंगे ना उसको हम कहेंगे डाइट्स में आपने ऐसे करना है कि मटन लेना है ज़्यादा बीफ लेना है और साथ स्पेशली कलेजी इस रिच लिवर जो है वो रिचेस्ट सोर्स है आयरन का ना ठीक है और साथ साथ उसको कहना है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लें सब्जी लें अच्छा एक क्लैरिटी चाहिए जी जी श्योर sure. मुर्गी की कलेजी भी खा सकते हैं या हम बीफ की कलेजी ज़्यादा बकरे की अच्छी होती है सबसे बेस्ट होती, होती है लेकिन हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें पसंद नहीं है कलेजी स्मेल आती है तो बहुत कम मुर्गी की खा लेते हैं दूसरी वाली हाँ मुश्किल होती है ना ठीक है और साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सब्जियों में बहुत होती है फिर लोबिया में बहुत ज़्यादा होती है और चिक पीस जो होते हैं जिसे कहते हैं वाइट चने, आ, चने उसके अंदर जी उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है तो ये हमें और स्पिनिच में बहुत ज़्यादा होती है जो वेजिटेबल्स में जो आते पर हैं। है लेकिन आप पालक को भी जब आप पकाते हैं और पालक गोश्त उसका बना देते हैं तो वो बेचारी पालक में कुछ हाँ, नहीं। उसको असल में हम लोग यहाँ पर इतना भूनते हैं कि वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना फिर हमने इसको ये कहना होता है कि आयरन अगर आप ले रही हैं उसका तरीक़ा होता है अब मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स कहती हैं कि हमें आयरन से स्मेल आ रही है हम नहीं ले सकते ना तो उनको एडवाइस करना होता है कि आपके साथ ले लेती हैं दूध के साथ भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि कैल्शियम के उसे exactly, कैल्शियम उसकी ना ऑब्जॉर्शन इनहिबिट करता है तो वाइटमिन सी जिसमें है जैसे जूसेज फ्रेश जूसेज ठीक है वाइटमिन सी के साथ ऑब्जॉर्बशन इंक्रीज होती है ना सही आयरन की और फिर इसको कहना है इन बिटवीन मील्स लो तो उससे कोई जीआईटी अपसेट नहीं होता जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कोई पेशेंट्स को कोई पेशेंट्स को डायरिया हो जाता है तो उसमें ये एडवाइस करना होता है उसको सही अब अगर मॉडरेट एनीमिया है जैसे वो कहती है कि मुझे बहुत सांस चढ़ रहा है और एच उसकी सेवन से लेके नाइन तक फॉल कर रही है तो आप उसको आ, ड्रिप्स पे लगा सकते हैं आयरन की ड्रिप्स होती है तो उस पर आप लगा सकते हैं और आ, वो डिपेंड करता है डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो ड्रिप्स भी थोड़ी डेंजरस होग्जैक्टली उस उसमें रिएक्शन होता है, हाँ, exactly, है। इसलिए कहते हैं हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे उस जगह लगानी चाहिए स्लो लगा मुझे लगी थी ना जी और स्लो लगाते हैं स्लो कतरा कब गिरेगा मतलब बंदा उसको देखते देखते ही बेहोश हो जाता है बट कहते हैं कि बड़ा स्लो लगाना yeah, चाहिए exactly. और उसके बाद भी चार घंटे आपको रखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन के लिए ना और अगर बहुत सिवियर एनीमिया है जिसमें एच पी लेस दैन सेवन है तो उसमें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है क्योंकि उसमें ये होता है कि इतनी जल्दी कवर भी नहीं हो सकता ओरल तो आयरन से के अंदर के जी जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा सकते हैं अगर बहुत सवियरली एनीमिक है और ऐसे लग रहा है कि उसकी कॉज ऐसी है जैसे प्रेजेंट आप पी आप कह रही हैं उसमें हर वक्त ब्लीडिंग के चांसेज हैं तो आपने पहले ही उसका ही आयरन स्टोर ये नहीं था मेरा क्योंकि फोर पॉइंट सेवन या फोर पॉइंट समथिंग था तो उन्होंने मुझे ये ड्रिप्स दी और अल्लाह का शुक्र है कि नाइन तक पहुँच नहीं मेरी पिछले दिन दिनों में एक पेशेंट आई थी एंड शी वाज ब्लीडिंग सो हैवली बहुत ज़्यादा तो वो होता है कि एटलीस्ट फोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने उस वक्त दिए थे उसको लेकिन ये है कि उस वक्त उसके आई वो एच पी पहले ही कम थी बहुत ना तो वो बिल्कुल ऐसे था कि अभी जैसे कार्डियक फेलियर में चली जाएगी डॉक्टर साहब कुछ लोग होते हैं जिनका एच ठीक होता है लेकिन उनका फेर लो होता है तो क्या वो भी अनिमिक होते हैं हाँ जी अगर लो फेरेटिन है तो इसका मतलब होता है आयरन डिफिशेंसी एनीमिया अगर फेरेटिन नॉर्मल है फिर हम अदर इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं कि इनहेरिटेड तो नहीं है कहीं इनहेरिटेड थैलेसीमिया होता है सिकल सेल डिजीज़ होती है तो वो हमने एक डिफरेंट टेस्ट कराने होते हैं फेरेटिन ये बताता है कि आयरन डिफिशेंसी है अगर लो है हाँ सर डॉक्टर साहब अनिमिक लोगों के लिए आयरन डिफिशेंट लोगों के लिए कोई आपके पास है सोलूशन कोई ऐसा मामला जिनसे उनका आयन भी बढ़ जाए या कम से कम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट जैसे कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि खाने अगर खाने पीने वाली बात है जिनका चले मॉडरेट तक भी अगर मैनेज करना है तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं देखिए इस पे कमेंट करने से पहले मैं एक और चीज़ पे कमेंट करना चाहूँगा जो हमारी सोसाइटी का एक नॉर्मल हिस्सा है कि हमारे नॉर्मली क्या होता है कि Uh, पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड में जो नाइन मंथ्स की प्रेगनेंसी है वो एंटी जो है वो गाइनिकोलोजिस्ट करती हैं hmm. और जो नॉर्मल स्पॉन्टेनियस डिलीवरीज हैं और वो हैं वो आपकी मिडवाइफ्स करती हैं hmm. हमारे यहाँ ये नौ महीने दाई को चेक कराते हैं और दाई का, का काम आके डॉक्टर से करवाते हैं दिस इज़ मत क्वाइट आरोनिक बिल्कुल तो सही, तो सही कह रहे हैं जो तो एंटीनेटल के लिए दैट इज़ द टाइम के जब आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है और अगर वो फिर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें पर डॉक्टर साहबान ने तो हमारी जो गायनिकोलॉजिट है कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है और अगर खुदा ना साहब तो कोई कॉम्प्लिकेशन है और उनको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है तो फिर गायनिकोलॉजिस्ट का रोल है डॉक्टर साहब आई एम वेरी सॉरी लेकिन मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चों के अंदर बर्थ इफेक्ट्स है जो हम सेकेंड हाफ में अब अपने इस 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 गुफ्तगु के डिस्कस करेंगे लेकिन

एक और जो चीज़ बाई है, जो हैबिचुअल है हमारी खातन में उनका फ्लूड इनटेक बहुत कम है so जो true. पानी की कमी है उसकी वजह से अगेन आप ऑलरेडी एनीमिक हैं और हाइप ऊपर से ब्लड ये आपको डिहाइड्रेटेड है ना, तो हाइपोवलीमिया और आयरन डेफिशिएंसी दोनों चीज़ें एक दूसरे को कंपाउंड करती हैं और जो साइंस और सिम्टम्स आते हैं लेसीच्यूड थकन टायर्डनेस हेड एक स्वेलिंग ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रोफाउंड हो जाती हैं तो उसके लिए एक तो अपने आप को अच्छा रिहाइड्रेट करें और जैसे डॉक्टर फायज़ा ने कहा कि जो वाइटामिन सी वाले जूसेस हैं या वाइटामिन सी टेबलेट फॉर्म में है उसका इंटेक ज़्यादा करें ठीक है तो और वाइटामिन सी बाय द वे व्यूअर्स आप कितनी भी ले लें वो आपके सिस्टम से खारिज हो जाती है जितनी आपके जिस्म को जरूरत होती है वो रख लेता है ये बड़ी क्योंकि वाटर सॉल्युबल है 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 वो निकल जाता आपके 100% इसकी कोई ऐसी नॉन टॉक्सिसिटी नहीं अल्लाह का शुक्र विटामिन डी हाउएवर व्यूअर्स उसकी टॉक्सिसिटी हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं आजकल या हम लोग बिल्कुल ही डिफिशियंट हैं या ओवर एक्साइटेड होके हर दूसरे दिन गोली खा लेते हैं वो हो गया वो इंजेक्शन पी लेते हैं तो हम टॉक्सिक लेवल्स पे बढ़ा देते हैं तो व्यूअर्स जो भी हम बात करते हैं ना वो आपके गाइडेंस के लिए होती है अब उस चीज़ को अगर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है तो अपने प्रॉपर ट्रेंड मालद से गुफ्तु करके करें सेल्फ मेडिकेट डॉक्टर साहब जब भी शो पे आते हैं एक ही बात कहते हैं प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें एंड डॉक्टर साहब आप भी अग्री करेंगे uh, exactly. तो आप लोग पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके डॉक्टर क्यों बने अगर आपने ऑनलाइन ही पढ़ के अपनी खुद ही मेडिकेशन करनी है अल्लाह माफ़ी दे किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है वो अपना मतलब खुद ही किसी और चीज़ का इलाज कर रहा होता है खुद ही सोच के खुद ही फैसले करके सो बी सेंसिबल अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स बर्थ डिफेक्ट्स <laughs> अब अगर कोई बर्थ डिफेक्ट मतलब किस स्टेज पे आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट है क्या प्रेगनेंसी के दौरान ही पता चल जाता है और अगर पता चल जाए और ऑब्वियसली अगर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जी हमें अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है और हमारे यहाँ तो गेटिंग रेट ऑफ़ द प्रेगनेंसी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अनलेस माँ की ज़िंदगी ख़तरे में हो तो फिर क्या कि हम तैयारियाँ कर सकते हैं ऐसे बच्चे के लिए कि जब बच्चा पैदा हो तो आप कन्फ्यूज़ ना हो और वहाँ पर डॉक्टर साहब का भी रोल आता है तो हम इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स डॉक्टर शहजाद एंड डॉक्टर फायज़ा हमारे साथ है वे वंडरफुल लवली कपल और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड मसाइल की एक तो अनीमिया बड़ी कॉमन चीज़ है प्री प्रेगनेंसी भी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फिर पोस्ट प्रेगनेंसी भी सो द पॉइंट इज़ खास ख्याल रखना चाहिए और अगर प्रेगनेंसी से पहले ही आप अपने टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करा लें तो आपको पता चल जाएगा गायनकोलॉजिस्ट से गाइडेंस लें वो आपको गाइड करेंगी आप बड़े मेजर मेडिकल कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं सिंपल से टेस्ट करा के सप्लीमेंट्स लेके अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर अब पढ़ते हैं बर्थ डिफेक्ट्स की तरफ जो सवाल पूछने जा रही हूँ वो आप दोनों के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स क्या हैं हमारे मुल्क में जी डॉक्टर साहिबा और फिर सर आपके पास हाँ सबसे ज्यादा बर्थ डिफेक्ट्स हैं कि हाइड्रोकेफलेस होते हैं एन एन कैफली होती है अब हाइड्रोकेफेस का मतलब होता है बड़े मुश्किल से वर्ड हाँ जी वो मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ हाइड्रोकेफलेस का मतलब होता है कि पानी होता है सर में और एन कैफली का मतलब होता है सर बना ही नहीं होता क्योंकि ये ब्रेन का ब्रेन सही डेवलप नहीं हो रहा था और ये सबसे बड़ी वजह इसकी यही होती है फॉलिक एसिड की डिफिशंसी ना जो फॉलिक एसिड फूड पे नहीं होता ना तो मेन मेन चीज़ें ये ये होती हैं और भी बर्थ डिफेक्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड नहीं बना होता पीछे रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट्स होते हैं मेन जो माइनोसील जिसमें ये होता है कि वो जो ब्रेन वो जो डॉक्टर साहब से आपको बताएंगे डिटेल में तो वो ब्रेन मैटर जो होता है वो बाहर आ रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड से और क्या कहते हैं कि वो जो एक गोल कमर, सा कमर, बन का बन सा कमर का फोड़ा हाँ। और वो फिर लोग उसको कटवा देते थे एक जमाने में और बच्चे को मतलब माजूर कर बिल्कुल ही हमारे पास इसका सलूशन नहीं है नहीं सलूशन देखें हम किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में ना तो सॉल्व कर सकते हैं ना उसको हम हैं प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो आप जिनको मरूसी अमराज कहते हैं जो पैदाइशी अमराज हैं जो कंजैनिटल बीमारियाँ उनका इंसीडेंस ऑन द रस है ठीक है सिर्फ हमारे पास नहीं डॉक्टर तो साहब हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका रीज़न एक तो ऑफ़कोर्स जो किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इशू होता है और या डेवलपिंग नेशन का होता है विच इज़ यू नो न्यूट्रिशन की कमी लेकिन उससे बढ़ के

जब आपकी क्रॉस मैरिजिज़ होती हैं जो कि आपकी ख़ानदान से बाहर फैमिली से बाहर शादियाँ होती हैं तो दोनों खून में जो ताकतवर जसूमें हैं वो कंबाइन करके और जो आगे नस्ल आती है वो ज़्यादा बेहतर होती है ऑन जबकि ऑन दी अदर हैंड कि आपकी नानी दादी के भी कज़न मैरिज थी चाचा ताया की भी कज़न मैरिजिज और मतलब बार बार ख़ानदान में शादियाँ जब होती हैं तो आपके जो वीक जीन्स हैं जो डिजीज जीन्स हैं वो ज़्यादा पॉज़िटिवली एक्सप्रेस करते हैं जिसकी बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स, थालसीमिया के दो मतलब एक ही खानदान में शादिया और थैलेसीमिया खानदान में रैंपेंट है दो थालसीमिया की शादी की वो थालसीमिया मेजर, मेजर के बच्चे एक खानदान एक फैमिली से मुलाकात तो भी शेयर किया था तीन बच्चे तीनों थैलेसीमिया मेजर Hmm. क्योंकि दोनों hmm. कजन्स थे जिनकी शादी हुई थी और दोनों माइनर थे। hmm. और मतलब यूजुअली तो एक परसेंटेज चांस होता है लेकिन उनकी सिचुएशन देखे कि तीनों बच्चे थालसीमिया में hmm. सारा वक्त अपने बच्चों को बस ब्लड ट्रांसम्यूजन के लिए लेके ले जा रहे होते थे। ये तो जी फिर भी थैलासीमिया एक Relatively easily manage हो जाता है। मैं पिछले, नहीं है, वो कैसे मैं, मैं करें पिछले पिछले साल से एक नॉन प्रॉफिट हम काम कर रहे हैं जो बच्चे हैं, खासकर जिसको हम दिमागी फालिश कहते हैं वो बच्चे जो फिजिकली या मेंटली या होते है। तो सीपी जो है ये तो कहते हैं प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान मिले दो टाइप्स है सीपी की एक इसको हम कहते हैं प्राइमरी सीपी जिसका इंसिडेंस 80 परसेंट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कज़न मैरिज जो सेकेंडरी सीपी है जो जो पेरिनेटल और पोस्ट नेटल स्कीमिक इंसल्ट कि जब बच्चे को सांस नहीं मिलता किसी वजह से लेबर डिले हो गई उसका इंसिडेंस सिर्फ 20, है। 20 है। है। परसेंट है तो अगर आपको पाकिस्तान में 100 सीपी बच्चा है तो 80 कज़न मैरिज की वजह से हैं और जो 20 हैं वो किसी नेगलीजेंस या सम हाओ कि बच्चा प्रीमेर पैदा हुआ वेट कम था उसको ऑक्सीजन टाइमली नहीं मिली बट दैट इज ओनली चांस ना वन सेकेंड डॉक्टर साहब आप दोनों के पॉइंट से यही बात पॉइंट अक्रॉस हुआ अब ये दोनों अवॉइडेबल चीज़ें अगर प्रॉपर मॉलेज के पास जाएंगे ट्रेंड प्रोफेशनल के पास जाएंगे अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो मतलब पता है कि बीवी की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड गुजरी है नहीं समझ आ रही पहली प्रेगनेंसी है डॉक्टर से एक चेकअप भी नहीं कराया और फिर कहते हैं दाई आके बच्चा पैदा कर देगी ओ भाई आपने एक टेस्ट नहीं कराया एक चीज़, चीज़ दे नहीं देखी अल्ट्रासाउंड नहीं उस बच्ची का बेचारी का हुआ जब तक ये और अक्सर एज भी इतनी कम होती है ऐसी बच्चियों को उनको भी सेंस नहीं होती होती बच्चे की भी जान डेंजर में और साथ साथ माँ की भी ऐसे केसेस में फिर सीपी के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं और दूसरी बात कजन मैरिज यानी कि ये दोनों चीज़ें अवॉइडेबल हैं exactly. और डायबिटीज़ भी अगर आप डायबिटिक मदर है उसको पता है कि मुझे डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं करती है कंसीव कर लेती है तो उस पर भी बहुत अब नॉर्मेलिटीज आती हैं okay. हार्ट डिफेक्ट्स बच्चों में बहुत आते हैं उस पर तो ये है कि डिलेज आएंगे हाँ जी और हार्ट प्रॉब्लम अच्छा ये जरा बता दें ये डायबिटीज वाली बात बिकॉज ये बड़ी कॉमन चीज़ है जी. कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गई और वैसे आप ठीक हो हाँ ये इसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ और उस, उसमें भी ये होता है हाँ उस पर उस पर ट्वेंटी वीक्स के बाद होता है लेकिन उस पर भी अनोमलीज़ हो सकती हैं अगर आप कंट्रोल ना करो ना अगर जैसे आप इंसुलिन पे ना जाओ या प्रॉपर मेडिकेशंस ना लो बहुत पेशेंट्स कहती हैं हम डाइट से कंट्रोल कर रहे हैं ना लेकिन दिस इज़ नॉट इस पे ये, ये होता है कि बेबी बहुत बड़ा हो जाता है मेक्रोसोबिक हो जाता है फिर डिलीवरी इम्पॉसिबल होती है एंड पे ना बहुत मुश्किल होती है और इसमें अमलोबेलिटीज़ भी आ सकती हैं बहुत और फिर ऐसे केसेज में भी डिलीवरी में फिर मतलब डिले और वो डिले और डिलेड हाँ सांसो व्यूअर्स देखें ये नेचर का एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है लेकिन इसको तरीके से आपने करना है आप जब प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं लोग कहते हैं ना पहले तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी जी, हाँ। एक तो पहले रिपोर्ट नहीं होती थी क्योंकि लोग ऐसे बच्चों को छुपा देते थे पहली बात दूसरी बात इसलिए भी नहीं होती थी क्योंकि हमारी खुराक ठीक थी हम प्रेगनेंसी के दौरान डाइटिंग नहीं कर रहे होते थे या प्रेगनेंसी के दौरान पागल नहीं हो जाते थे खा खा के एक तोन के साथ चीज़ को लेके चलते थे और एक घर वाले और फैमिली इन्वॉल्व होते थे चाइल्ड केयर के अंदर एंड उस लड़की की केयर के अंदर आप लोग अपने टेंजन पे चल रहे हैं डॉक्टर साहब अगर कोई बच्चा ऐसी कंडीशंस के साथ होता है पैदा तो फिर उसको मैनेज कैसे करें जी बिल्कुल अब देखें अगर हम स्पेसिफिकली की बात करें ये दुनिया में सबसे कॉमन डिजीज है बच्चों की न्यूरो न्यूरोपमेंटल और डेवलप वर्ल्ड में इसका इंसिडेंस जो है अगर थाउजेंड लाइफ बर्थ्स हैं तो सेवन टू नाइन किड्स जो हैं वो सीपी के साथ होते हैं okay. हमारे यहाँ इससे तीन गुना ज़्यादा इंसिडेंस है हुँ. ठीक है वहाँ पॉइंट जीरो सेवन है हमारा पॉइंट सेवन परसेंट है हमारा पॉइंट टू वन पर मतलब उससे तीन गुना ज्यादा है इसके लिए नॉर्मली जो आ, पहली चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स को समझ में नहीं आता बड़े बूढ़े उनको बताते हैं कोई नहीं बच्चा थोड़ा जहा टिल्ला है ठीक हो जाएगा देखें हमें पहले ये समझना है कि जी नॉर्मल जो डेवलपमेंटल माइल हैं वो किस तरह से हैं आम वो बच्चे जो है वो सिक्स वीक्स में आई कॉन्टैक्ट करता है वो फोकस करता है लाइट को फॉलो करता है आप फोकस करता है और स्माइल देता है थ्री मंथ्स का बच्चा जो है वो नेक होल्ड करता है सिक्स मंथ्स का बच्चे को पार्शल सिटिंग और इंडिपेंडेंट सिटिंग बाई सेवन मंथ होनी चाहिए नाइन्थ टू इलेवन मंथ के बच्चे को क्रॉल करना है जिसको हम कहते हैं जी रिड़ना चाहिए था, ठीक है और वन ईयर से फिफ्टीन मंथ के दरम्यान बच्चे को चलना है ठीक है अगर और पेरेंट्स आते हैं कि जी दो साल का हो गया है बच्चा और अभी गर्दन नहीं संभाल रहा कि जी हमें बड़े बूढ़े यही कहते रहे कि जी कमज़ोर है वक़त देना ठीक हो जाएगा Like महीने में तो बच्चा अच्छी खासी है लेता और दो साल तक मैं अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी या ग्रोथ बताऊं ब्रेन की बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ब्रेन का जो वेट है वो सिर्फ ग्राम फिफ्टी एक पाओ है और बाई दी एज year, ये जो वजन है ये चार गुना मल्टीप्लाई होकर के एक के हो जाता है और एडल्ट जो वेट है आपका मेरा डॉक्टर साहब का दैट इज 1.3 टू वन पॉइंट फोर के जी मेरा ख्याल बीस

अगर पेरेंट्स को बच्चा डेढ़ दो माह का आई कांटेक्ट नहीं करता तीन से चार माह का नेक नहीं होल्ड करता टाइम ना ज़ाया करें प्रॉपर चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और अगेन इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है अगर हम बात करें तो वो फिजियोथेरेपी रीहैप है लेकिन अब रीसेंट जो लेटेस्ट इनोवेशन हैं रीजेटिव मेडिसन है स्टेम सेल है, है जो जो, तो आप जो आप हम ऑफर कर रहे हैं और मैं एक चीज और एक पब्लिक इंटरेस्ट में मैसेज देना यानी कि मेरा दिमाग बड़ा हो सकता है मैं <laughs> फिजिकल ग्रोथ मैं, मैं, फिजिकल ग्रोथ की अच्छा बात, बात कर रहा हूँ <laughs> तो हम जो हैं पिछले 2001 लास्ट 22 इयर्स से हम नॉन प्रॉफिट काम कर रहे हैं लाहौर में और जो नॉन अफोर्डिंग लोग हैं उनका हंड्रेड परसेंट फ्री ट्रीटमेंट होता है इस वजह से कसम से डॉक्टर साहब आपकी बात सुनिए ठंड है तो और लिटरली जब से हमने ये काम शुरू किया हमारी जिंदगी में इतनी बरकत है कि और एक नहीं हमारे पास पूरी दुनिया से सिक्सटी थाउजेंड प्लस बच्चे अभी तक हम ट्रीट कर चुके हैं और नॉट इवन अ सिंगल फेलियर वो बच्चे जो बिल्कुल स्पास्टिक थे और वो सारे अच्छा व्यूअर्स अच्छा। एक बात सॉरी डॉक्टर मैं ये बताना चाहूँगी हम कभी कभी ऐसे बच्चे देखते हैं जो आप कह रहे हैं स्पास्टिक बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं वो इसलिए नहीं जुड़े हुए होते क्योंकि वो पैदा ही ऐसे हुए नहीं। थे नहीं। वो वक्त के साथ ऐसे हो जाते हैं क्योंकि ऐसे बच्चों को बस बिस्तरे पर लिटा देते हैं कभी एक साइड टर्न कर दिया कभी उस साइड टर्न कर दिया बट उनको बेड सोर्स हो जाते हैं और ऐसे बच्चों को कि इस बीमारी की वजह से डेथ नहीं होती कॉम्प्लिकेशनस की वजह से डेथ होती है सो so, ऐसे बच्चे हाई फंक्शनिंग भी हो सकते हैं जिसको हम ऑटिज्म में कहते हैं हाई फंक्शनिंग ये बच्चे हाई फंक्शनिंग भी हो सकते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा राइट टाइम पे पकड़ लें हम राइट right टाइम पे चीज़ का इलाज नहीं करते क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते अपने जहन में डॉक्टर साहब का कोई ऐसा तरीक़ा है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान ही ऐसी चीज़ का पता चल जाए ताकि फिर इंसान पहले से अपनी तैयारी कर ले पहले तो फॉलिक एसिड अपने थ्री मंथ्स लेनी होती है प्रेगनेंसी से पहले ये तो मस्ट होता है फिर उसके बाद जो है आपके इलेवन वीक्स पे एक स्कैन होता है जिसमें ये होता है कि हम लोग थिकनेस लेते हैं स्किन की नेक की जो नेक का स्किन होता है ना उसकी थिकनेस लेते हैं उससे भी बहुत सारी अब का पता चल जाता है डाउन बच्चे की बच्चे की। वो अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है उसकी न्यूकल ट्रांसपेरेंसी कहते हैं उसको और वो जरूर लेना चाहिए उससे डाउन सिंड्रम रूल आउट हो जाता है ना और कोई और भी एडवर्ड सिंड्रम ये सारी अनोमलीज़ जो है ना वो सारी रूल आउट हो जाती है अगर वो थिक आता है इसका मतलब है कि कोई ना कोई अब बच्चे में पहले ही है तो वो वो फिर थेरेप्यूटिक अबॉर्शन की तरफ चला जाता है ना पहले ही अबॉर्ट कर देते हैं बच्चे को ना क्योंकि पता होता है कि इससे आगे जाके अनोमलीज़ के साथ ग्रो करना है ग्रो करना है और बाय व्यूअर्स मैं ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हमारे एक जानने वाले उनके उनको उनकी मिसेस को लेके गई कजन्स थे वो जो आपने जब कहा ना कि खोपड़ी नहीं डेवलप होती या स्पाइन नहीं डेवलप हाँ होती ये मुझे इसलिए हैरान कन बात नहीं लगी जबकि आई एम श्योर बहुत से व्यूअर्स ने कहा होगा कि ये क्या बात हुई उनके साथ यही था ना स्कल डेवलप था ना स्पाइन डेवलप थी और मैंने वहाँ पे जब फोन किया वो लेके गई उनको सारा कुछ कहा आप इनको छोड़ जाएँ मैं आपको कॉल करके बता दूँ यहाँ पे डॉक्टर साहिबा ने मुझे कॉल करके कहा उन्होंने कहा इनकी कोई ये छठी जनरेशन है कजन्स की जिनकी शादी है और ये बच्चा माँ अभी मतलब इट इज़ लाइक अ पैरासाइट जो माँ का बेसिकली सोचे कि खून चूस रहा है उन्होंने मुझे बड़े सिंपल लिफाज में बताया क्योंकि मेरा दिमाग ही ना एक्सेप्ट करे ना कि ऐसी कोई चीज़ हो भी सकती है अच्छा उन्होंने कहा कि हमने अगर डिलीवर कह रहा अव्वल तो मां सरवाइव ही नहीं करेगी और अगर कर गई सर्वाइव तो ये बच्चा किस सूरत नहीं सर्वाइव कर सकता उसके साथ नहीं बना उसके साथ नहीं द तो चाइल्ड विल नॉट लिव तो फिर उस केस में उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि हमें ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट टर्मिनेट करनी पड़ेगी जी तो अब पेट में आपको आप पता कि कोई इस टाइप की चीज़ exactly. है और नहीं हमें आ, एक हमें एक हिस्ट्री से पता चल रहा है कजिन मैरिज है तो हम उसको फिर एडवाइस करेंगे पहले तो 11 वीक्स पे ये वाला स्कैन करना है उसके बाद फिर ना एमनियोसेंटिसिस और कोरियोनिक विलेज सैंपलिंग दो चीज़ें होती हैं जो इनवेसिव प्रोसीजर्स में आती हैं उसमें एक नीडल डाल के पेट से पानी लेना होता है और सेल्स लेने होते हैं वहां से और फिर वो एग्जामिनेशन के लिए भेजने होते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी अब पता चल जाती हैं जो कि वैसे नॉर्मल स्कैन पर नहीं पता चलती तो अब हमें पता चल गया कि बच्चे

जो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज़ हैं उनके नॉर्मल होने का चांस बढ़ सकता है एटलीस्ट थ्रेटिकली राइट तो जहाँ तक वो बच्चा है जो आ, मतलब कज़न मैरिज की वजह से डिलेड है या प्रेगनेंसी या डिलीवरी की किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो डिलेड हैं तो उन बच्चों में अगेन छः महीने साल वेट मत करें फॉर इंटरवेंशन मतलब ये चीज़ समझ लें कि छः हफ्ते से आठ हफ्ते में बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता स्माइल नहीं करता देर इज़ प्रॉब्लम तीन से चार महीने में वो गर्दन नहीं संभालता देर इज़ इवन बिगर प्रॉब्लम छः महीने में बैठता नहीं है दैट इज़ मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम यानी कि जब आई कॉन्टैक्ट वाली ही बात हो जाती है व्यूअर्स देखें एहतियात बेहतर है तो आपको अगर जरा सा भी खदशा हो रहा है जाके चेक करा ले। Evaluation और इन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको डॉक्टर क्लियर कर देगा देखिए बच्चे के लिए उसी छः से छः हफ्ते से आठ हफ्ते के अंदर ही अगर आप पकड़ लेते हैं ना इस चीज़ को तो वो बच्चा एक बहुत बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता है और नॉर्मल जिंदगी की तरफ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आज टोडे बस करोड़ और सवाल हैं लेकिन टाइम <laughs> ख़त्म हो गया इन शनों so को तकलीफ देंगे और मजीद जानेंगे कि वॉट यू आर डूइंग एंड हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इज़ वेल ब्लैस यू गॉयज़ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएँगे ब्रेक के बाद जब वापस आएँगे तो वन ऑफ द सुपर मॉडल्स ऑफ आर कंट्री जिन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी रिप्रजेंट किया आ, उनसे मुलाकात होगी कुछ म्यूज़िक भी होगी कुछ हल्ला गुला भी होगा आप हमारे साथ रहिएगा क्या बात है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वेरी वेरी टैलेंटेड वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू यू आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं टू वन ऑफ दी ओरिजिनल सुपर मॉडल्स और हमने सोचा कि जब ट्रिब्यूट की बात आती है तो आपसे खूबसूरत कौन पेश करता है सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड जब हम बात करते हैं सुपर्स की तो फैशन इंडस्ट्री की एक ब्रिलियंट आईकॉन एक ब्रिलियंट एक्टर एक बेहतरीन होस्ट और एक बेहतरीन मॉडल हर लेवल पे इन्होंने अपनी सलाहियतों का बार बार लोहा मनवाया और उसके साथ साथ एक होम मेकर और मदर भी बिकॉज शी इज़ वन ऑफ दोज फ्यू वुमेन जिन्होंने इंडस्ट्री में आते ही ये प्रूव किया कि आपकी फैमिली भी हो सकती है आपके बच्चे भी हो सकते हैं आपका शौहर हो सकता है आपका ससुराल फैमिली सारी चीज़ें आप साथ ले कर चल सकते हैं शी इज़ वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स इन द इंडस्ट्री जिन्होंने बहुत से लेवल्स पे हमारे आने वाली जो पौध थी उसके लिए आसानियाँ पैदा की और उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया कि यू कैन हैव इट ऑल आपको सब कुछ हासिल हो सकता है अगर आप थोड़ा सा अपने आप को तरीके से मैनेज कर लें आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिलियंट नताशा हुसैन नोन इन द इंडस्ट्री एज नैटी असल वाले थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन एंड आई एम लविंग ंग बींगयर ऑन योर शो आप इतना अच्छा शो करती हैं बड़ा मज़ा आता है देखने का इट्स वेरी uh, क्या कहूँ एंटरटेनिंग uh, और आप इन्वॉल्व हो जाते हो आपके शो में अच्छा सिचुएशन uh, ये है नैटी कि मैंने uh, हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपका एक वन ऑन वन प्रोफाइल इंटरव्यू करूँ ऑन मॉर्निंग एट होम बिकॉज हमारी जो व्यूअर्स हैं वो सिर्फ़ आपकी ग्लैमरस साइड देखते हैं जी। उनको नहीं पता कि नैटी कितनी हम्बल कितनी डाउन टू अर्थ कितनी लविंग कितनी वॉम पर्सनैलिटी है जो जूनियर सीनियर सबको एक तरह से ट्रीट करती है और वो है मोहब्बत से सो so, नताशा का नैटी तक का जो सफ़र है इसका आगाज़ कैसे हुआ बाई नैटी आई मीन बिकमिंग सुपर मॉडल एंड दिस ये शुरू कैसे हुआ सिलसिला जो जुकन एक्चुअली मैं uh, बाहर गई थी uh, अपने कॉस्मेटोलॉजी के कोर्सेज करने आई वॉन्टिड टू डू समथिंग इन ब्यूटी ऑलवेज मगर uh, मुझे कभी, कभी नहीं पता ने था था रिलेटेड काम <laughs> <आगगा। laughs> करना लेकिन मुझे था कि मैं कोई सैलॉन खोलूँगी या ब्यूटी या लाइक ट्रेनिंग सेंटर यू नो मेकअप के लिए हेयर के लिए मॉडलिंग के लिए आई नेवर न्यू कि मैं खुद ही कुछ इस फील्ड में आ जाऊँगी और मॉडलिंग को इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया नहीं था, किया जाता था।, था और और जो फैमिलीज थी जैसे कि मेरे फादर uh, uh, अम्मी की तो मेरी डेथ हो गई हुई थी तब तक बट शी वुड हैव सपोर्टेड मी बट अबू थोड़े कंजर्वेटिव थे तो ही डेंट मॉन्ट कि मैं इस फील्ड में आऊँ अब लाइक यू सेट कि उस वक्त कंसिडर ही नहीं किया जाता था कि एक अच्छी चीज़ है अगेंस्ट ऑल ऑर्ड्स मैं आई आई वॉज पुल्ड इन टू दिस मैंने एक्चुअली एक सैलॉन खोला एंड hmm. सैलॉन uh, खोल के मैं uh, आई वॉज अप्रोच बाई अथर शहजाद माई and एंड दे केम एंड देट के तुम पढ़ी लिखी हो तुम अच्छा बोलती हो तुम आओ फैशन इंडस्ट्री में हम अपना स्टार्ट करें एक मॉडल्स इंट्रोड्यूस करेंगे रैम्प करेंगे मुझे कुछ समझ नहीं आया ऐसे मैं इतनी शाय हूँ कि मैं मतलब मुझे पोज करना मॉडलिंग करना ये सब मतलब ये मैं नहीं कर पाऊँगी मुझसे नहीं होगा एंड दे सेट के देखो बहुत अरसा पड़ा है टू बी बिहड द कैमरा विच इज़ सेलॉन बिजनेस काम राइट नाउ वी नीड कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसी जो जो अब्रॉड ट्रैवल करे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। एग्जैक्टली थ्रू 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 आर वर्क हम कुछ दिखा दिखाएं लोगों को एंड उससे पहले एक बैच ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका था तारक अमीन का hmm. तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको आगे लेके चलना चाहिए एंड hmm. कोई एक इंडस्ट्री ऐसी बने जिसकी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग हो जाए सो दिस इज़ हाउ आई केम इन टू द इंडस्ट्री Uh, हालांकि मुझे बिल्कुल मॉडल भी नहीं बनना था कुछ भी नहीं और होस्टिंग तो ओ माय गॉड मतलब कि मेरे हाथ पाँव कांपते थे कि मुझे लाइव ऑडियंस के सामने बात करनी पड़ेगी मेरा जो पहला टेलीविजन का रिकॉर्डेड शो था इट वाज अ रिकॉर्डेड शो थोड़े से लोग थे सेट पे एंड पहला एपिसोड था इट वॉज कॉल्ड स्टार्स एंड स्टाइल एट दैट टाइम तो उन्होंने मेरे से तेरह एपिसोड uh, किए थे साइन ये मैं इंटरेस्टिंग बात इसलिए बता रही हूँ ओनली थर्टीन एपिसोड्स एंड पहला जो हमने रिकॉर्ड किया उसमें इतना मैं रोई कि वो अगले दिन सात आठ लिंक देने थे मुझे और मुझसे हो ही नहीं रहा था बिकॉज आई वाज गेटिंग टू सो नर्वस अच्छा ये मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए मॉडलिंग मौ, स्टार्ट करने के लिटरली कोई एक आध साल के बाद मुझे शहजाद ने रेफर किया कि

बस आपने पोज करना है वो वो सीखा वो किया अब आगे से शहजाद ने कहा कि तुम अब होस्टिंग में जाओ तो वो मैं स्टार्स एंड स्टाइल का बता रही थी तो वो पहला जो मैंने रिकॉर्ड किया रो रो के दो दिन लगे रो रो के मैंने कहा मुझसे तो होगा नहीं है तेरा मैंने कहा करें और मुझे फारिग करें आप सोचें अल्लाह ताला का करम इतना मे बी योर राइट एट वॉज इन माई पर्सनैलिटी इतना मुझे उसके ऊपर एक क्या करूँ हैंग ऑफ इट आया कि वो चार साल शो चला तेरह एपिसोड से वो चार साल चला एंड इट बिकेम सच सक्सेस बिकॉज आई गॉट अ कमांड ऑन इट टॉकिंग इन दिस एंड दैट और मैं अपना बीच में वो स्क्रिप्ट देते थे बीच बीच में मैं अपना सारा ऐड करती रहती थी, थी जो मिर्च मसाला जो मुझे लगता था वॉट एवर सो इस तरह मेरा टेलीविजन होस्टिंग में हुआ एंड देन करते करते आगे आगे लाइक आई जस्ट गिव अप बट एक्टिंग फिर कदम Acting क्योंकि मैंने आपने बहुत सी चीजें साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियस थी की। मैंने एक्टिंग मॉडलिंग के होस्टिंग uh, से पहले स्टार्ट की थी आई वाज एक्चुअली अगर आपको मैं सच बताऊं तो मेरा पहला जो वेंचर था आई वाज इन कॉलेज और मैंने एक प्ले uh, किया था फॉर पीटीवी एंड इट वाज कॉल्ड फिشار एंड वो मैंने अपनी फैमिली से छुपके किया था छुपके मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि छुपके कैसे हो सकता है <laughs> मतलब मैं लाहौर में थी मैं किनेड में थी मैं हॉस्टल में रहती अच्छा, थी। अच्छा आई वॉज अप्रोच के मतलब थ्रू सम यू नो कॉन्टैक्ट ऑफ द फैमिली हु आर ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री ऑफ एक्टिंग तो उन्होंने कहा करना है करना है ये आरफा सिद्दीकी के साथ रोल सा, uh, है अच्छा मैंने कहा क्या रोल है मेन रोल तो नहीं है मेन रोल तो नहीं है बिकॉज मेन हुआ तो सबको पता चल जाएगा नहीं, नहीं, सहेली का रोल है चुकान वो इतना प्ले दर आई कान टेल यू उसके बाद मॉडलिंग के बाद देन आई वॉज अ अप्रोच फॉर अ नदर प्रोजेक्ट कॉल चलते चलते और उसकी बड़ी समथिंग आई ऑलवेज वॉन्ट आई टू मेरे एक ख्वाब था ऐसा कभी कुछ करने का कि अंगर गर्ल गोज़ टू नथी एंड फॉल्स इन लव विद एन ओल्डर मैन मतलब वो एक उस तरह उस जमाने में ये कंसेप्शन थी स्टोरी की एंड इट वॉज ब्यूटिफुल सारा नथिया आपको पता है नेचुरल ब्यूटी ऑफ आर्ट क्रिएटर वहाँ पर शूट करने का मज़ा ही और आया तो वहाँ से मेरा फिर प्रॉपर एक्टिंग का एक जो जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई अच्छा लेकिन आपने अच्छे वक्तों में मॉडलिंग की जी हम ब्रेक में भी ये गुफ्तु कर रहे थे कि आप, आप सुपर मॉडल्स नहीं हमें मिलती और ये मैं बाय वे व्यूअर्स किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहती किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती बट उस वक्त आपको पता होता था उस वक्त टीवी और 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 फिल्म की इतनी वो थी नहीं उस वक्त सिर्फ मॉडल्स थी और वो ही सब कुछ थी वही हमारी फिल्म स्टार्स थी उस वक्त की। बिल्कुल एंड यू नो कहीं देख लेते थे तो इतने एक्साइटेड होकर ना और उस वक्त मतलब यही होता था कि आप ऑटोग्राफ मांग लेते थे लिखवा लेते थे या आप रिक्वेस्ट करके किसी के कैमरा पे तस्वीर खेच लेते थे अगर किसी के पास होता था एग्जैक्ट exactly. सो so, ऐसा क्या हुआ जो आप और आप लोगों के बाद शायद एक और जनरेशन उसके बाद तो सुपर मॉडल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया

एंड वी वर कमिंग इन टू बिकॉज वो एक नेचुरल साफ फ्लो था ना कि मॉडलिंग है तो ये अगर एक्टिंग कर सकती है तो ये आ जाए ऑफर्स आ जाती थी वॉट एवर लेकिन पैसे मॉडलिंग में थे हाँ पैसे मॉडलिंग में थे एक्टिंग में तो पैसे ही नहीं थे खैर शुरू में आप देखें जुगन जो आज कल पैसे मिलते हैं लोगों को लड़कियों को मॉडलिंग के या जो भी रैम्प या प्रोफेशनल शोज जितने भी अभी तक होते हैं हमें मुझे तो पहले शो का हमें और विनी मुझे अभी तक याद है बैक स्टेड बैठ के हमने चेक देखा हमने कहा दो हज़ार का चेक तीन रिहर्सल और एक शो मतलब मतलब ये क्या है तो तो आगे से वो शेरू था उसने कहा डालिंग इसमें से भी 2000 का, का, दो हज़ार टैक्स कटेगा मैंने कहा दो सौ दो सौ सॉरी सॉरी दो हज़ार कह रियर दो सौ टैक्स कटेगा मैं तो हमें कितने बचेंगे जितने बचेंगे टेक इट और लीव इट बिकॉज तो वो शेरू से दोस्ती थी बट प्रोफेशनलिज्म एक हमारी बात थी हमारी आपस में दोस्तियाँ थी बट जब काम होता था कोई किसी का दोस्त नहीं होता शेरू ने हमें कोरियोग्राफ़र होता शुरू में आपको पता ही उसने बहुत कोरियोग्राफी की एंड उसके बाद वो डिज़ाइनर बना बिकॉज ही वॉज़ फ्रॉम एन सी ए बट हम डांटे खाते थे इतनी ऐसी ऐसी डांटे खाते थे कि हमें वी वो नहीं थे वो फैशन स्कूल से फैशन सॉरी फैशन स्कूल से थे एंड बट वीज टू हम डांटे भी खाते थे Uh, सबका वो बिकॉज हमें पता था कि अभी इस वक्त प्रोफेशनलिज्म करनी है काम hmm. करना है चाहे आपको 18,000 मिल रहे हैं या 18,000 और ऊपर कुछ मिल रहे हैं वट एवर इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल और आप यकीन करें मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रही बट आई स्वर कभी कभी मुझे लगता है ये मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है फ्रॉम दैट डे टू टुडे नहीं बट आप लोगों की दोस्तियाँ भी थी आप कभी बहुत. मैं अगर कोई गलती से किसी फैशन फैशन इवेंट की होस्टिंग करनी हो तो जो बैक स्टेज हो रहा होता है उसको देख के मैं अपना सर पकड़ लेती हूँ कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं एक लड़की ने दूसरी लड़की के कपड़े पहन लिए गलती जो, से? जो, उसने गलती नहीं एक ने दूसरी के जान जान के जान, पहन, पहन लिए हाँ भाई ये वाला आउटफिट मैंने पहनना है हाँ, इसको कुछ और पहना दे और पीछे बदतमीजियां चल रही है और चीखें चल रही है और पे आए तो सब नॉर्मल है बैक स्टेज में देख रही होती यार ये कौन सी दुनिया है बट आप लोगों के लॉट में हमने नहीं आप लोगों के लॉट में हमने ये नहीं देखा वो अब होता है लेकिन हमें भी कई दफ़ा होता था कि आ, मतलब ये आउटफिट क्यों पहना रहे हो हमें हमने नहीं पहनना मतलब आई बिकेम अ सुपर मॉडल तो नखरा हमें दिखाना पड़ता था एंड आई कई दफा मैं कहती थी विनीस टॉलर इसको दे दो ये लंबा वाला मुझे ये वाला दे दो ये इतना भारी लहंगा मुझे क्यों दे दी ये हम लोग भी करते थे लेकिन बदतमीजियाँ हम उस वक्त नहीं करते थे बिकॉज कपड़े तो नहीं चोरी एक्चुअली वेरी ऑल ऑफ आस इंक्लूडेड एक हमारा एक फ्रिटी थी एक टीम थी हम काम इकट्ठे करते, करते थे मिलते भी होते थे दोस्तियाँ भी थी तो अब ये नहीं हो सकता था कि मैं डिज़ाइनर से इतनी को बदतमीज़ी करूँ कि नेक्स्ट टाइम वो बोले मैं तो नाटी की शक्ल नहीं देखनी यू नो सो वी वर लाइक प्रॉपर भी थे हम बीच में लेकिन अब मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये लोग डील करते हैं या क्या होता है बट मॉडलिंग ने थोड़ी सी बैक सीट ले ली है फ्रॉम एज़ कम्पेयर टू आर टाइम्स एंड एक्टिंग हैज़ कम आउट मोर Mm -hmm. अब आप देखें जितने भी कोई बड़े एड कैंपेन्स होंगे या बड़े ब्रांड्स होंगे दे प्रेफर टू टेक जो सच्ची बात है यू नो आई मीन मेरे वक्त में ये बात सच नहीं थी लेकिन अब ये बहे दे वुड रादर टेक एक्टिंग के लोग फ्रॉम द एक्टिंग फ्रटर्निटी एज कंपेयर टू द मॉडल्स बिकॉज जैसे आपने कहा कि हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते ऐसी बात नहीं करना चाहते बट नाउ डायम डजन एवरी स्टोन

कि इतने लोगों ने आके मतलब होता है ना शॉर्टकट कट मान लिया कि अच्छा आ, मुझे आपसे शूट नहीं मिल रहा तो मैं खुद कर लेती हूँ मतलब आप मुझे इतने पैसे दिलवा रही हैं चलो मैं कम करके मैं डायरेक्ट डिरेक, डायरेक्ट हो जाना ये, ये कर लेना इससे भी ख़राब होके द लेवल्स जस्ट स्टार्टेड कमिंग डाउन और अब मतलब ऑब्वियसली मैं तो डिफरेंट फील्ड्स में आगे आती गई ऑब्वियसली यू नो मैंने तो मॉडलिंग को क्विट करना ही था माशाल्लाह मेरी जब पहली बेटी हुई तानिया वो जब बड़ी हो रही थी सो आई आई क्विट द रैम्प सबसे पहले मैंने क्विट किया किया स्टिल मुझे तब सब कहते थे यू लुक सो गुड यू लुक सो गुड यूर इंडस्ट्री नीड्स यू आई से नहीं यार मुझे इट्स एम्बेसिंग कि मेरी बेटी बारह तेरह साल की हो रही है मैं रैम्प कैसे कर सकती हूँ अब बट अभी भी हो रहा no, है नो बट द फैक्ट इज देखें यू आर

टी ने एक्टिंग से क्यों ब्रेक ली ये मेरा सबसे बड़ा गिला है नताशा से कि इन्होंने एक्टिंग से जो ब्रेक ली ना आई रियली हर ऑन ऑन द स्क्रीन देयर एंड देन दूसरी बात बेटी के साथ प्रोजेक्ट्स करना कैसा लगता है अब तानिया के साथ ये भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद जी आ,

बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही हम्बल नैटी हैं और मान आवान हमारे साथ हैं बड़ी खूबसूरत ज़रा अनप्लग्ड हमने सुना बहुत अच्छा लगा और अब किचन में नज़र डालते हैं व्यूअर्स देखते हैं कि क्या सिचुएशन है जी आपकी जी रोस्ट भी तैयार है और चिप्स भी तैयार हैं अमेजिंग थैंक यू सो मच इट लुक्स ग्रेट थैंक यू अच्छा जी तो नैटी जी एक बड़ा जरूरी सवाल है आपसे जी जी कि बीच में मुझे चले मॉडलिंग की समझ आती है आपने कहा कि बेटी मेरी मप्तानिया 12 साल की 10 12 साल की आप यू वांटेड टू स्टेप अवे और बंदा अक भी जाता है वही चीज कर करके के हां एक्टिंग तो हर वक्त चेंज होती रहती है व्हाई डिड यू स्टॉप एक्टिंग आपने बीच में गैप लिया है बिल्कुल लिया अच्छा खासा लंबा लिया अच्छा खैर मैंने भी लिया 6-7 साल का गैप बट मतलब व्हाट वाज योर रीजन Uh, क्यों मुझे ना गैप uh, लेने का रिग्रेट है भी और नहीं भी अब है इसलिए कि uh, उस वक्त मुझे लगता है कि आई कुड हैव बैलेंस्ड इट और मुझे छोड़नी नहीं चाहिए थी और इसलिए नहीं है बिकॉज मैं तानिया को उस वक्त एक ही बेटी थी मेरी uh, तानिया माशाल्लाह एंड uh, माशाल्लाह अब दो हैं एंड आई नीडेड टू गिव हर अ लॉट मोर टाइम तो मुझे लगा कि एक्टिंग इज़ द ओनली थिंग मॉडलिंग में ऐसा नहीं होता था रैंप में ऐसा नहीं होता था टेलीविजन होस्टिंग में नहीं ऐसा होता था लाइव uh, होस्टिंग uh, में ऐसा नहीं होता था एक दिन का काम दो दिन करके क्या आ गए, एक्टिंग में स्पेल्स होते थे और आपको अपने घर से दूर जाना पड़ता था और वो uh, मुझ मेरे लिए थोड़ा सा नॉट शी वॉज यंगर तब मैंने वो ढाई साल की तीन साल की थी मैं नथिया ले गई मैं यहाँ ले गई मैं ले गई ज्यारत ले गई जहाँ भी मेरे हमजा के साथ मैंने किया बिल्कुल प्रोजेक्ट्स हुए वो सारा मैंने किया लेकिन अब एक टाइम आया अब स्कूल रेगुलर वॉट तो मुझे टीन एज में बच्चों की बिल्कुल फर्क की खास तौर पे मतलब यू दे दे नीड देयर मदर्स तो मैंने कहा यार मैं काम तो नहीं छोड़ सकती लेकिन एक्टिंग की मैं थोड़ी सी ब्रेक दे सकती हूँ कि मैं जब वापस आऊँ तो ऑब्वियसली यू नो एक्टिंग में तो चेंज कुछ नहीं होगा यू रिमेंबर जब आपने मुझे बताया था फ्यू इयर्स अगो कि जो मैं सोच रही हूँ फिर मैं एक्टिंग अभी इन्होंने सेंटेंस भी नहीं कंप्लीट किया मैं छलांगे मारनी शुरू कर दी मैं <laughs> कहा प्लीज़ और प्लीज। उसके बाद से मैं दो प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ आपको जब मैंने कहा था माशाल्लाह रिसेंटली जो मैंने दो प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड देवर बहुत मजा आया मतलब एक देखिए एक्टिंग जो है ना वो मैं अगर उसको डिस्क्राइब करूँ आप मुझे जुकन बोले कि नाटी एक आप करो लाइन में तो मैं बोलूँ एक्टिंग एक ख्वाब है एक ख्वाब वो ख्वाब जो आपका के बाकी ख्वाब पूरे कर देता है बिकॉज़ यू नो ऐसे कैरेक्टर्स को लाइफ को आप इन्विजन करें यूर प्लेइंग दोज कैरेक्टर्स आवाम तो एन्जॉय करिए लेकिन खुद आप बहुत इंजॉय कर दो आई लव एक्टिंग अगर अभी तुम मुझसे पूछो आप मुझसे पूछो नंबर वन कोई अपने करियर में से चीज़ को नेम कर दो आज से जोक्स एक्टिंग माई टेयर सो दैट वुड बी नंबर वन ओके बट

ज़िले हुमा जी को नहीं आगे आन, आने चाहती थी, थी कि वो आ, गाएं लेकिन चले उन्होंने इजाज़त दे ली सब कुछ कर लिया लेकिन बाकायदा बड़ा झगड़ा बड़ी मिनते तरले करके पता है क्या जो कि मैं इन टूडेज डे एंड एज मतलब और मैं और आबास इस तरह के पेरेंट्स हैं भी नहीं कि हम रोकें आबास थोड़ा तो कंजरवेटिव है नॉट विध मी बिकॉज आई एम इज़ वाइफ लेकिन बाप अपनी बेटियों के बारे में होते हैं मैंने तानिया को बोला था टू बी वेरी ऑनस्ट कि नहीं यार रहने दो uh, मैं भी थी मॉडलिंग में एक्टिंग में फिर आप भी आ जाओगे आप यू सी एल लंदन से पढ़ के फॉगेटेड तो शीशट uh, आप मुझे रोक रही हैं ऐसा नो आई एम जस्ट आस्किंग यू और टेलिंग यू और गिविंग यू एडवाइस मैं रोक नहीं रही शीशट नहीं इफ यू स्टॉप मी आई वोंट डू इट बट आई टेल यू कि मैं इसको आई वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट मैं करना चाहती हूँ बिकॉज वो जो अपने मास्टर्स करना चाहती है वो चाहती है फिल्म मेकिंग में करना तो उसने कहा मैं दो तीन चार साल का जो गैप दूंगी उसमें मैं मीडिया के बारे में कुछ मतलब समझना, समझना चाहती हूँ तो वहाँ uh, मैं इसको एक्चुअली एक चैनल uh, पे लेके गई थी फॉर अ जॉब बिकॉज आई सेड इसको पता चलेगा मीडिया का वहाँ इन्होंने उसकी एक वो कर ली uh, वो audition. हो रहा था कहीं ऑडिशन हो रही थी उन्होंने कहा करवा देते हैं फॉर फन शी डेड एन ऑडिशन शी गॉट लाइक मतलब वो आ गई इसी तरह एक्टिंग में देन आई सपोर्टेड आई ऐसा कोई भी जिंदगी में ये नहीं आपको कहना चाहिए कि देखिए जो उर्दू डिक्शनरी का सबसे सैड वर्ड है ना और बुरा वर्ड है वो है काश इफ़ वॉट इफ़ वो नहीं होना रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाय मेरी एज गुजर गई या टाइम गुजर गया मैंने ये नहीं किया क्यों नहीं किया यार आई मीन वन लेसन दैट माई ब्यूटिफुल मदर टॉट में कि कभी लोगों की कोई बात ना सुनना वही करना जो तुमने करना है बिकॉज लिटरली जिंदगी दोबारा नहीं सुनो so no, सबकी जी जी अफकोर्स हाँ यस yes, बट यार नो बडी इज पेइंग माई बिल्स मैं क्यों मानूँ किसी की बात यार आई I मीन mean, मेरी जिंदगी एक ही दफा मिलेगी जवानी भी एक दफा मिलेगी बुढ़ापा भी एक दफा मिलेगा आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू लिव इट अप आई वॉन्ट इट मदर हुड टू द कौर आई वॉन्टेड टू बी अ वाइफ टू द कौर इफ मेरा ये है कि मेरी डिटर्मिनेशन कैन गो थ्रू द रू जो करना है उसको फिर इन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अपने उसके लिमिट्स तक लेके जाना है मेरे जहन में एक बात घूम रही है इस वक्त कि ये बताइए कि अब जो आपने ये कॉस्मेटोलॉजी के भी कोर्सेज किए ये सारा कुछ किया उसका नहीं कुछ करना है। करना है बिल्कुल करना तो है वो मैं जानना चाहूँ आज नहीं? तक मेरे जैसी कोई हेयर कट नहीं कर सकता

आप मुझ आप मुझे ट्रिपल द अमाउंट ऑफ मनी देंगी कि एवरी टाइम मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ like, really मुझे आठ साल की उम्र में पता था कि मैंने बड़े होके ना कुछ मैं कहती होती थी हम थोड़े से चीप भी थे ना ब्यूटिशन बनना है मैंने ब्यूटी में मैंने कुछ करना है हमारे जैसे लोग जो काम करते हैं

बड़ा भारी वर्ड है अब बैलेंस अ, करना बिटवीन योर वर्क लाइफ फॉर एनी वन किसी के लिए भी ख़ासतौर तो पर मैं यहाँ ख़वान की बात कर रही करी बिकॉज मदर्स बच्चों को ज़्यादा माओ की ज़रूरत होती है hmm. फादर्स तो काम करते ही हैं बैलेंस बड़ा ज़रूरी होता है एंड बैलेंस इज़ नॉट ऑलवेज ईजी बट आपने अपना माइंड फ्रेम ऐसे बनाना होता है जैसे आप करती हैं बैलेंस बिटवीन द किड्स बिटवीन अ होम लाइफ एंड वर्क लाइफ बेसिकली ये बैलेंस होता है सो आई थिंक आई वॉज़ एबल टू मैनेज दैट लेकिन जहाँ मुझे लगा शुरू में आपने पूछा एक्टिंग को क्यों तुमने इतनी लंबी ब्रेक दे दी तानिया को करना था वहाँ मुझे लगा कि शायद मैं इतना बैलेंस ना कर पाऊँ क्योंकि मैं घर से दूर होंगी तो बैलेंस करना मुश्किल है दैट इज़ वेन आई गिव इट अलेंस इज वन थिंग विच इज डिफिकल्ट मगर नामुमकिन नहीं है आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे थैंक यू सो मच फॉर है ऑलवेज बींग इन योर प्रेजेंस कुछ लोग होते हैं ना व्यूअर्स जिनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि जब आप उनके साथ बस नॉर्मल गप भी लगा रहे होते हैं आप रिफ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल और आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी लेकिन और हमारी जब मेकअप रूम में मुलाकात हुई तो बट इनके साथ गुफ्तू करके ऐसे लगता है जैसे जिंदगी फिर मिल गई है वो कहते हैं ना जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा मुझे मिल गई दोबारा रियली वांटेड टू कम आल्सो लेकिन वो वो कराची में है आ, अपने प्रोजेक्ट पे तो वो कह रही थी नेक्स्ट टाइम जब आएगी इनशाला फिर हम नेक्स्ट टाइम उसको अकेले बुलाएंगे फिर आप दोनों को साथ बुलाएंगे फिर को बुलाएंगे पहले उससे आपकी वाली बुरी बुराइयां जानूंगी उसके बाद फिर साथ बुला लड़ाई कराऊंगी फिर इस शो का नाम भी हम बदल देंगे परफेक्ट डन लव यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मान अपना तो बताएं कि आजकल क्या मशरूफियत हैं? आजकल म्यूजिक पे ही कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है hmm. और uh, कुछ uh, ऐसे सेशंस हैं उनमें काम कर रहा हूं मैं लाइक uh, like मेरे चार से पांच गाने अभी इसी साल रिलीज होने हैं और लाइव शोज़ वगैरह वो तो साथ-साथ चलते ही रहते हैं वेल बट ऑलवेज सो प्राउड ऑफ यू एंड ब्लेस यू अब क्या सुना के शो को क्लोज करेंगे um, मेरा ऐसे ही अभी अभी थोड़ी देर पहले दिल करने लग गया था मैं कुछ प्लान कुछ और करके आया था बट मेरा दिल कर रहा था मैंने आज तक कभी इस तरह आपको गजल नहीं कुछ सुनाई और <laughs> आप शौक हो गए कि यार मैं पॉप आर्टिस्ट हूँ मैं गज़ल कैसे गाऊंगा बट uh, मैं ट्राई करना चाहता हूँ एक गज़ल गाने के लिए चले।

तुमको जरा सोचो कसम तुमको जरा सोचो के दस्तूर वफा क्या गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल में